आज की इस इंटरैक्टिव सेशन के मुख्य अतिथि श्री विपिन शर्मा जी, जो फिजिक्स भौतिकी विज्ञान में एक जाने माने शिक्षाविद हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय और यहाँ उपस्थित मेरे स्टाफ साथियों, आज हमारे बीच यहाँ पर विपिन शर्मा जी आए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये भौतिक विज्ञान फिजिक्स साइंस पढ़ते हैं आप सब, फिजिक्स के एक नामचीन विभूति हैं, मैं ये शब्द कहना चाहूँगी इनके लिए। यूट्यूब पे आप इनको सर्च कर सकते हैं, इनका नाम और इनके बारे में बताना शायद सूर्य को दीपक दिखाने के समान है, पर आप बच्चे शायद इनके बारे में नहीं जानते। थोड़ा सा ज़्यादा समय ना लेते हुए थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। सर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से फिजिक्स के प्रोफेसर रहे हैं, आज भी शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर योगदान दे रहे हैं और निःशुल्क यानी किसी तरह की कोई कॉस्ट नहीं लेते। जो भी बच्चों को डाउट्स हों फिजिक्स के, इनसे इनके व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने डाउट्स डाल सकते हैं और व्हाट्सएप पे ही ये वापस आपके आंसर्स को रिवर्ट बैक करते हैं। ये पंजाब में, हिमाचल में बहुत से स्कूल्स को विजिट कर रहे हैं, करते रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट स्कूल्स को विजिट करते हैं, ताकि वो बच्चे जो कोचिंग और इन सब चीज़ों में पड़े हैं, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग तक अपनी पहुंच नहीं बना पाते, उनको कोचिंग की आवश्यकता ही ना रहे और बिना कोचिंग के, बिना कोई पैसा खर्चे वो अपने डाउट्स को क्लियर कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। सर नेशनल अवार्डी रहे हैं, 17 बार इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज तक 170,000 बच्चों से ये इंटरेक्शन कर चुके हैं। अभी ऊपर सुबह हमारे पास जब सर आए थे तो इनका ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का इंटरेक्टिव सेशन बच्चों के साथ चला, जिसमें 6th, 7th, 8th, 11th और 12th सभी बच्चों को बिठाया था वहाँ पर। और ऐसा नहीं था कि इनके साथ जो भी बच्चों की एक बातचीत हुई है उसमें 6ठी से लेकर 12वीं तक जितने भी बच्चे वहाँ मौजूद थे, जितनी भी स्टूडेंट्स वहाँ मौजूद थी, सब ने उसमें पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है, इंटरेक्टिव सेशन का मतलब है कि अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो आप भी उसमें अपनी सहभागिता दिखाएं, दैट इज़ इंटरेक्टिव सेशन। क्योंकि टीचिंग और लर्निंग जो है एक टू वे प्रोसेस होता है, सिंगल वे प्रोसेस नहीं चलता कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं क्लास में आके बोलना शुरू हो गई और आप सुन रहे हैं और घर जा रहे हैं, दैट इज़ मोनोटोनस एंड दैट कम्स आउट टू बी जीरो। वो कैसा होना चाहिए? आपका डिस्कशन हमारे साथ, पूछना, क्वेरीज को क्लियर करना। तो सर आपको बहुत सारी और बातें बताएंगे, सर आपको बताएंगे कि कैसे आपने पेपर प्रेजेंटेशन करनी है, बोर्ड एग्जाम्स में कैसे अपने आप को अपीयर होना है, क्योंकि ये शिकायत बहुत बच्चों की रहती है कि मैम ने उसको नंबर दे दिए मुझे नहीं दिए, उसको 4 में से 4 और मुझे 4 में से 2 क्यों मिले, सेम तो लिखा है। ऐसा नहीं होता, कोई भी टीचर ऐसे नहीं करता कि एक को 4 में से 4 दे देगा और उसी आंसर के लिए दूसरे को 4 में से 2 देगा। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, दैट इज़ द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर्स। आप अपने उत्तर को किस तरह से उपस्थित कर रहे हैं, किस तरह से पेश कर रहे हैं। जैसे होटल में शेफ, होटल का खाना बहुत अच्छा लगता है, क्यों? सजा हुआ ट्रे में आता है, डेकोरेटेड, अच्छी तरह से, प्रेजेंटेशन इज़ व्हाट मैटर्स। तो सर उस बिंदु पर भी बात करेंगे। तो इस सब के लिए जो सर को एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर दिया है, उसके लिए हम सब स्टाफ और आप बच्चे भी, मुझे लगता है किसका नाम ध्यान करना चाहिए हमें, हमारे प्रिंसिपल सर का, कि सर ऐसा मौका देते रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों को ऐसा मौका सर देते हैं जिनसे बच्चे कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं, कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए सर की मुक्त कंठ से प्रशंसा तो करती हूँ, पर ये चाहती हूँ कि सर जो ये मौका दे रहे हैं, सर ये प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, प्रेयर को भी एक लर्निंग प्रोसेस बना दिया गया है और बहुत सारी चीज़ें जिन पर शायद हम लोगों का बीइंग टीचर ध्यान नहीं जाता, सर बीइंग हेड उन पॉइंट्स पे फोकस कर रहे हैं। तो आप सर के प्रयास को विफल ना जाने दें, आप उन चीज़ों को आत्मसात करें और उन चीज़ों को अपने लाइफ में अपनाएं। सुनेंगे ध्यान से, पॉइंट्स नोट करेंगे और जब सर ऊपर बुलाएंगे आपको इंटरेक्ट करने के लिए, अपने भाव व्यक्त करने के लिए, तो आप आगे आएंगे।
सर आप कुछ बोलेंगे? सर थोड़ा सा आपको, प्रिंसिपल सर भी थोड़ा सा।